दिनांक 8 मार्च दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पिपरगंवा स्थित लवकुश आश्रम करौली धाम में जलाभिषेक के बाद रात्रि तक लगातार मां रुद्राभिषेक का दौर चला। यह रुद्राभिषेक करौली शंकर महादेव द्वारा किया गया, जिसमें बारी बारी परिवार के सदस्य व आश्रम में आए हजारों भक्तगणों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि करौली आश्रम में बने गणपति संघ महादेव व माता पार्वती एवं कार्तिकेय व गंगा जी के विशाल मंदिर के प्रांगण में शिव परिवार की झांकियों का दर्शन सभी भक्तगण व बाहर से आए अतिथि लोगों ने किया। साथ ही साथ आश्रम में भजनों की प्रस्तुति रात भर जारी रही। आपको बता दें कि भजन व गायन का कार्यक्रम मुंबई से आए संदीप राजपूत, विशाल चौरसिया एवं मथुरा वृंदावन से आई साध्वी देवी राधा रमण मिश्र द्वारा किया गया। वहीं महाशिवरात्रि पर हुए इस कार्यक्रम में भगवान शंकर के भजनों का सभी आए हुए भक्तगणों ने आनंद लिया। साथ ही साथ आश्रम में महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने वाले भक्तों के लिए फलाहार एवं बिना व्रत वाले भक्तगणों व बाहर से आए अतिथिगणों के लिए भोजन भंडारे का आयोजन भी किया गया था। वहीं करौली दरबार में संध्याकालीन भव्य भस्म आरती करौली शंकर महादेव द्वारा संपन्न हुई। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.